उल्लेखन है लजुआना एकेडमी करा शायद फ्यूचर कार्ड भी रोहतक वर्षे आज दूसरी टीम अमन टीम कौन सी है अमन टीम कौन सी है अमन टीम कौन सी है तुम्हारी नरवाल कार्ड लजुआना नरवाल कार्ड नरवाल कार्ड भी रेनाड़ा वर्षे फ्यूचर कार्ड भी रोहतक जबरदस्त डांस देखने को मिला लेकिन शानदार ये टीम सुबह से कहर बरपा रही है। इस टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को आज पटकनी दी और बहुत ही शानदार खेल दिखाती हुई यहाँ पे टीम फ्यूचर अकेडमी नरवाल अकेडमी के साथ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी इस मैच में। भाई अगली टीम में रेडी रही फाइव वर्सेस लखन माजरा नाम अनाउंस हो चुका है 10 मिनट बाद उनका मैच है। अमन चले रेड पे बापुड़ा से बिलोंग करते हैं ये प्रवेश की किट पहने हुए 5 नंबर की जर्सी में बहुत ही शानदार प्लेयर है काफ़ी चुस्त तेज तरार टच की कोशिश आज बड़ी बड़ी टीमें बहुत उलटफेर हुई हैं इस टूर्नामेंट में गुडैन की धरती पे काफ़ी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं इन टीमों में। और बात करें तो इस टूर्नामेंट में आज बैंसवाल की टीम काफ़ी शानदार खेलती आ रही है और इसके साथ साथ टीम फ्यूचर फाइटर रोहतक की टीम भी शानदार खेल देखने को मिला है। रेड पे चले हैं अमन काफ़ी तेज और चुट करते हैं और भवानी कलिंगा की 9 नंबर की जर्सी का प्लेयर यहां पे गलती कर गया और अमन को 1 अंक का इजाफा होता हुआ टीम नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए। अमन चले हैं रेड पे भाई तेरा नाम क्या है अजय ठीक है महम वसी जी महम विकास वसी जी लजवाना पाई वसी जी लाखां बाद फ्यूचर फाइटर रोहतक एक अकेडमी और दूसरी टाइम अकेडमी है गुड़गांव में फ्यूचर फाइटर के नाम से और लेकिन यहाँ पे फ्यूचर फाइटर रोहतक की टीम काफ़ी शानदार खेलती हुई इस टूर्नामेंट में 70 kg वेट के टूर्नामेंट बहुत ही शानदार खेल दिखाया है टीम ने और यहाँ पे हल्की सी गलती डिफेंस में 2 पॉइंट का इजाफा भाई जिन जिन टीमों के नाम किट पहने वो खिलाड़ी 2 नंबर की जर्सी में जनरेटर बहुत ही शानदार खेल दिखाते हो यहाँ पे और फिर बता देते हैं स्पीड से रेड करते हैं ये बेट में तो बहुत शानदार खेलते हैं ये काफी उसके बाद विकास वर्षीय लजवाना स्पीड से रेड करते हैं काफी शानदार गेम भी है इनका अपने आप को क्या रखें अमन चले हैं रेड पे ओ सोवे के खट रेड है बोनस अंक प्राप्त किया लेकिन अपनी टीम का एक प्लेयर रिवाइव भी नहीं करा पाए। अमन नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए टीमों के नाम अनाउंस हो चुके हैं यहाँ
खतरा पैदा हो गया टीम नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए डिफेंस में। वहीं टीम चौबीस नंबर जर्सी में स्पार्टन कबड्डी क्लब की किट पहने फ्यूचर फाइटर के लिए ये प्लेयर, देखते हैं क्या कर पाता है। और हल्का हल्का डिफेंस को चेक किया, डू एंड डाई रेड, यहाँ पे शानदार टैकल अजय द्वारा और स्पोर्ट की शानदार। तो भाई वो तो टैकल हो रहा है ना, डिफेंस में गलती नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी को, यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ जबकि भारी पड़ेगी, काफी आगे निकल चुके पॉइंट है 12 हाफ टाइम। बोनस की कोशिश की गई है और बोनस अंक प्राप्त किया, यहाँ पे शानदार बोनस स्पीड के साथ। हाफ टाइम के बाद मैच की शुरुआत होती फ्यूचर फाइटर वर्सेस नरवाल कबड्डी अकेडमी रिडाणा। किक की ट्राई, हल्की सी चोट महसूस करते हुए यहाँ पे टाइम आउट, एंकल में हल्की सी चोट, सूझबूझ के साथ खेलती हुई टीम यहाँ पे नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी। फाइनल मैच आज थर्ड रवीश 7 नंबर की जर्सी में नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए, क्या ये कुछ कर पाएंगे। और शानदार डिफेंस देखने को मिलता है यहाँ पे फ्यूचर फाइटर का, ये टीम जरूर टक्कर देगी आने वाले मैचों में किसी न किसी, काफी शानदार खेल देखने को मिलता है यहाँ पे इनके द्वारा। लास्ट टू मैन स्टैंडिंग इन टीम नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी में, और लास्ट मैन स्टैंडिंग टीम बहुत ही शानदार बोनस स्पीड के साथ बोनस किया गया, डिफेंस को टस से मस नहीं होने दिया। ऐसे प्लेयर ही कबड्डी में जाके इंडिया टीम के लिए नेशनल में खेलते हैं जिनमें ऐसी कला पाई थे भरपूर। और सरेंडर कर दिया खुद नहीं, टाइम आउट बुलाया और टीम आउट हो चुकी है यहाँ पे नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी रिडाणा। टाइम आउट के बाद पहली रेड पे रोहतक 11 नंबर की जर्सी में फ्यूचर फाइटर के लिए, मैदान नंबर 1 के ऊपर 3 मिनट का समय बचा हुआ है जबकि गुड़ान की ए टीम के पास पर्याप्त लीड है।
बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का गोदान जिला रोहतक में चलता हुआ 41 टीम्स यानी 41 टीमों ने भाग लिया 70 किलोग्राम में, और लड़कियों का जो टूर्नामेंट हुआ 58 kg 58 किलोग्राम 11 टीमों ने भाग लिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे गांव का जो कि बड़े अच्छे तालमेल के साथ 36 बरादरी के भाई कंधे से कंधा मिलाकर हर साल शानदार टूर्नामेंट कराते हैं। बहुत बहुत बधाई सरपंच साहब और उसके गांव के सभी सदस्यों को, हमेशा बधाई देना चाहेंगे। अगला मैच पाई वर्सेज लखनबाजरा, महम विकास वर्सेज लजवाना, अपने आप को तैयार रखिए। और यहाँ मैदान नंबर 1 पर खाली औपचारिकताएं बाकी हैं, जैसा कि हम समझ सकते हैं। शमशेर सिंह राठी का इशारा, दो मिनट का समय शेष है। बोनस की ट्राई यहाँ पे और यहाँ कैच है। के बाद बोनस अंक प्राप्त करती हुई टीम एकेडमी ने कुछ अच्छा खेलना शुरू कर दिया है, कन्फर्म किया। लोना उतर गया कृष्ण देश खेड़ा ने, फिर नजदीक से जाकर और बोनस अंक दे दिया। तीन टीम मैच बाकी है नरवाड़ स्पोर्ट्स अकेडमी को, लेकिन इन बोनसों से कुछ नहीं होगा। टीम नरवाड़ स्पोर्ट्स अकेडमी को यहाँ पे अमन को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, यदि टीम को जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ कैच खा गए अमन और टीम बहुत अच्छा टैकल, यहाँ पिछड़ती हुई नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी रिडाणा और टीम फ्यूचर फाइटर्स रोहतक की टीम मजबूत स्थिति में इस मैच में। कैच लगातार लगा के अपनी टीम में वापसी का बिगुल बजा दिया है। ठंड काफी बढ़ती हुई यहाँ पे, लेकिन उतनी ठंड नहीं है दिल्ली की जितनी देखे तो, आज अनुकूल मौसम है खेलने के लायक है। यहाँ पे कृष्ण देश खेड़ा ऑपोजिट में काफी ठंड महसूस करते हुए मैच चलता हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन भाई गुड़गांव की टीम द्वारा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। आओ गुड बाई भाई, ग्राउंड नंबर 2 के लिए टीम रेडी रहे, लास्ट 1.5 मिनट मैच बाकी है, फटाफट रेडी होकर दोनों टीमों से अनुरोध है। आज लाइन कट भाई, ठीक 10 मिनट के बाद फिर मैच है, यानी इस एक मैच के तुरंत बाद आपका मैच फिर है। दाएं बाएं नाराजो वार्म अप रही हो टीम आ जाए। पाई वर्सेज लखनबाजरा, पाई वर्सेज लखनबाजरा शानदार मैच होगा, पाई वर्सेज लखनबाजरा अगला मैच देखने लायक होगा। अंतिम मैच आ रहा है, लास्ट 1 मिनट का मैच बाकी है, मैच कराओ जी बैठी साहब। शानदार टीम आ गई पाई जरा कैथल लखनबाजरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक, लगाओ जी सर मैच को कराओ शुरू। दे देना दान दे देना भाई, जिन टीम के नाम अनाउंस हो चुके हैं जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। गांव नंबर 2 भी कुछ ही सेकंडों में खाली हो जाएगा, तो टीमों से अनुरोध है फटाफट वार्म अप होके ग्राउंड में पहुंचे। राठी साहब दीपक जी मैच शुरू कराओ, टीम आ चुकी है, कोच साहब एक बार ग्राउंड नंबर 2 के लिए 2 के नाम महम विकास जीत चुकी है। यहाँ पे टीम फ्यूचर फाइटर रोहतक की टीम और लूज करके इस मैच को नरवाड़ स्पोर्ट्स अकेडमी रिडाणा।